कहानी की शुरुआत में हम पाताल लोक को देखते हैं, जहाँ पर हर तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस थी। हम कुछ मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ से भागकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं डिनर करने के लिए। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर चढ़कर चांद को देख रही होती है, और ये लड़की उन मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस को सेंस कर लेती है और उनकी तरफ जाने लगती है। और अगले दिन हम कुछ बुलीज को देखते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। इस बंदे का नाम है इचिगो कुरोसाकी और ये बंदा हमारी सीरीज का मेन हीरो है, और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और इचिगो स्कूल से घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी कुछ बुलीज उसे घेर लेते हैं, और जब इनमें से एक बंदा इचिगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो इचिगो बहुत आसानी से इस बंदे को कूट देता है। और ये देखकर इसके दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके दोस्त एक नंबर की गद्दारी कर रहे हैं और इसकी हेल्प करने के लिए भी नहीं आते। इन्हें पता होता है कि अगर ये लोग उसे बचाने के लिए इचिगो से फाइट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इचिगो इनकी चटनी बना देगा। इचिगो एक फ्लावर बॉटल की तरफ इशारा करता है और बोलता है, ये क्या है और यह नीचे क्यों पड़ा है, जरा तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पर कुछ समय पहले एक लड़की मारी गई थी ना, शायद किसी ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए ये फ्लावर यहाँ पर रख दिया होगा। और तभी इचिगो इस बंदे के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर तुम ढक्कनों ने इन फ्लावर्स को गिरा दिया है, बेहतर होगा तुम इस पोल के पास जाकर इससे माफी मांग लो, समझ गए ना तुम लोग, वरना मैं कुछ ही दिनों में ऐसे फ्लावर्स तुम्हारी कब्र पे चढ़ा दूंगा। और ये सभी लोग इसकी बातें सुनकर डर जाते हैं और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, असल ये एक स्पिरिट है और इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था अभी कुछ ही दिन पहले, और इचिगो मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स को देख सकता है। इचिगो के पास ये स्पेशल पावर है और इचिगो उस लड़की से बोलता है, तुम चिंता मत करो, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और ये लड़की बोलती है, थैंक यू भैया, अब मुझे पीस मिल चुकी है और मैं कुछ ही दिनों में पास ऑन करके दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इचिगो भी उसे रेस्ट इन पीस बोलकर यहाँ से चला जाता है और इचिगो अपने घर की तरफ चला जाता है। इचिगो अपने घर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, मैं घर आ गया, और तभी इसके फादर इस पर एक जोरदार लात मार देते हैं, कितनी देर लगाता तू, और इचिगो अपने सर के बाल नीचे गिर जाता है। और इचिगो के फादर उसे बोलते हैं, तुम्हें हर समय अलर्ट रहना चाहिए, इवन तब भी जब तुम अपने घर पर हो। ये क्या बात हुई, ये कोई तरीका है अपने बेटे से ऐसे बर्ताव करते हैं, पागल वागल हो क्या। और इन बाप बेटों में फाइट शुरू हो जाती है। इचिगो की दो छोटी बहनें भी होती हैं जो कि इन लोगों की फाइट को एंजॉय कर रही थी, और सबसे छोटी बहन बोलती है, अरे बस भी करो यार, कितनी फाइट करते हो, दिन रात लड़ते रहते एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह, खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। और उसकी सेकंड सिस्टर कारिन बोलती है, अरे लड़ने दो इन्हें, ये प्यार करते हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा, ये इनका एक तरीका है प्यार शो करने का। इसके बाद इचिगो थोड़ी ही देर में उस ओल्ड मैन को धो देता है, और तभी इचिगो के पीछे एक गोस्ट आ जाता है और कारिन बोलती है, इचिगो लगता है तुम्हारा एक नया दोस्त बन चुका है। दरअसल कारिन भी भूतों को देख सकती है, और तभी इचिगो का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर इसके फादर इस पर एक और बार हमला कर देते हैं और इसकी बाजू को दबोच लेते हैं, पकड़ लिया, और ये दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंचेस मारते हैं। और इचिगो अपने फादर को हरा कर यहां से भाग जाता है, और कारिन अपने फादर से बोलती है, गलती तो आपकी ही है, वैसे मैंने क्या किया, मैं तो बस उसे प्यार कर रहा था। और इसके बाद इनके फादर अपनी डेड वाइफ के एक बड़े से पोस्टर के पास जाकर रोने लगता है कि इसके बच्चे इसकी इज्जत नहीं करते और इससे बातें भी छुपाते हैं। अब अगले दिन हम न्यूज में देखते हैं कि एक लोकल ट्रेन स्टेशन के पास कुछ एक्सप्लोजन हुए हैं। इचिगो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि एक्सप्लोजन वाली जगह उनके घर से बहुत ज्यादा करीब है। इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है और तभी उसे एक मॉन्स्टर के हाउल करने की आवाज आती है, और वो उस हाउल की साउंड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि एक लड़की एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रही है। और तभी वही लड़की यहाँ पर आ जाती है जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था, और ये लड़की उस मॉन्स्टर को मार देती है। ये लड़की एक सोल रीपर है और इसका नाम है रुकिया, और लड़की बिना कुछ कहे यहाँ से भाग जाती है। आसपास के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अभी ये कैसे हुआ, इन गोस्ट और स्पिरिट्स को नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टीरियस बॉम्बिंग या फिर कोई एक्सप्लोजन वगैरह हुआ है। और अब इचिगो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सिर्फ यही देख सकता है क्या गोस्ट्स वगैरह को। अब इसके बाद इचिगो शाम को अपने घर पर होता है और तभी रुकिया रूम की विंडो से अंदर आ जाती है। इचिगो उसे देखकर घबरा जाता है, पर रुकिया ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि ये मिस्टर इंडिया हो, और देखकर इचिगो को गुस्सा जाता है कि कोई इसे इग्नोर कर रहा है। और इचिगो उस लड़की के ऊपर एक जोरदार लात मार देता है और बोलता है, ओए तू कोई चोर है क्या, ये कोई तरीका है, हैं दूसरों के घर में घुस रही है तू। रुकिया देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो, और इचिगो को छूने लगती है और कहती है, अरे तुम मुझे कैसे देख सकते हो, लगता है तुम कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो। और ये सुनकर इचिगो को गुस्सा आ जाता है और इचिगो उस पर फिर से एक लात मारने वाला होता है, पर रुकिया बहुत आसानी से बच जाती है। इचिगो पूछता है, अरे कौन हो यार तुम, परेशान कर रखा है, और रुकिया बताती है कि ये एक सोल रीपर है जिसे सोल सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन रियल्म में भेजा है एक मिशन पर, और इसका मिशन है कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना। पर इचिगो इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और बोलता है, ए छोटी बच्ची चल 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 घर जा अपने, बहुत हो गया तेरा, ठीक है ना, बहुत सही है मैंने, चली जाए यहां से। पर छोटी बच्ची वर्ड सुनते ही रुकिया की सनक जाती है और अपने मैजिकल स्पेल से इचिगो को पैरालाइज कर देती है और बोलती है, हे हे हे, मैंने तुम्हारे ऊपर एक सीक्रेट आर्ट यूज किया जिसे कीरू कहा जाता है, और ये एक हाई लेवल मैजिकल स्पेल है जिसे सिर्फ सोल रीपर्स ही यूज कर सकते हैं। वैसे मैं दिखने में छोटी जरूर हूं, पर मैं तुमसे एज में 10 गुना बड़ी हूं, ठीक है ना, और ये लड़की एटलीस्ट 150 साल की है, भाई साहब लगती तो है नहीं भाई। और तभी वही स्पिरिट वहां पर आ जाती है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और रुकिया इस स्पिरिट को सोल सोसाइटी नाम की एक जगह पर भेज देती है जहां पर सभी की सभी सोल्स मरने के बाद जाती है। और रुकिया समझ जाती है कि इचिगो एक नंबर का ढक्कन है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और रुकिया एक प्यारी सी ड्राइंग बनाकर इचिगो को समझाती है कि इस दुनिया में दो तरह की स्पिरिट्स होती हैं, गुड स्पिरिट्स जिन्हें होल्स भी कहा जाता है, और बैड स्पिरिट्स जिन्हें हॉलोस भी कहा जाता है, और ये हॉलोस ह्यूमंस पर अटैक करके उनकी सोल्स को खाने का काम करते हैं, ह्यूमन सोल्स इनका नाश्ता है। और इचिगो बोलता है, वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी ड्राइंग बहुत खराब है, और रुकिया गुस्सा होकर इचिगो के चेहरे के ऊपर मूछें बना देती है, बकवास नहीं, और हम सोल रीपर्स के दो काम है, पहला अच्छी सोल्स को सोल सोसाइटी में भेजना जैसा कि मैंने अभी अभी किया था, और दूसरा है हॉलोस को खत्म करना, ह्यूमन सोल्स को हॉलोस से बचाना। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और इसे चेज कर रहा था, पर तभी इसे एक स्मेल आने लगती है और
और बोलता है, आसपास में कोई बहुत ही टेस्टी सोल है और इसके पास तो एक सोल रीपर भी है। दरअसल ये मॉन्स्टर इचिगो की बात कर रहा है और ये मॉन्स्टर इस लड़की को छोड़कर इचिगो के डायरेक्शन में जाने लगता है। और इस तरफ रुकिया और इचिगो को इस मॉन्स्टर की गूंज सुनाई दे जाती है और रुकिया पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। और तभी रुकिया एक तरह का स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करने लगती है जो कि सिर्फ पावरफुल सोल्स ही रिलीज कर सकती है। रुकिया कंफ्यूज्ड थी कि अब तक उसने इस प्रेशर को सेंस क्यों नहीं किया। और तभी यहां पर इचिगो की छोटी बहन आ जाती है और बोलती है, भैया कारिन को बचा लीजिए। रुकिया ये सुनकर जल्दी से बाहर जाती है पर इचिगो के हाथ पैर बंधे होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। और रुकिया देखती है कि उस मॉन्स्टर ने कारिन को पकड़ लिया है और रुकिया फाइट के लिए तैयार हो जाती है और इचिगो भी रेंगता रेंगता यहां पर आ जाता है। रुकिया ये देखकर हैरान रह जाती है कि इचिगो ने उसका स्पेशल स्पेल तोड़ दिया है जो कि लगभग नामुमकिन था। और अब इचिगो उस मॉन्स्टर के डायरेक्शन में जाने लगता है, एक चेयर को लेकर उस पर हमला करता है लेकिन वो मॉन्स्टर एक ही पंच में इचिगो को दूर फेंक देता है। इसके बाद रुकिया उस पर हमला करती है और कारिन को भी बचा लेती है। रुकिया समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर शुरुआत से ही इचिगो के पीछे पड़ा है और रुकिया इचिगो को समझाती है कि शायद से इचिगो जब उस छोटी लड़की के साथ मिला था उस स्पिरिट से, उस दिन के बाद से ही इचिगो का जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो ज्यादा रिलीज होने लग गया था और उसकी वजह से अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और इचिगो को रियलाइज होता है कि उसकी वजह से ही युजू और कारिन की लाइफ खतरे में पड़ी है। इचिगो उस मॉन्स्टर के सामने जाता है, तुम्हें मेरी सोल चाहिए ना, तो आकर ले लो। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है पर रुकिया उसके सामने आ जाती है और इचिगो को बचा लेती है पर रुकिया इसमें बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। रुकिया को पता होता है कि इचिगो अपनी सोल का ऑफर देकर अपनी सिस्टर्स को बचाना चाहता है पर इचिगो को ये नहीं पता कि अगर वो अपनी सोल को ऑफर कर भी देगा तो ये मॉन्स्टर सभी की सोल्स को खाने वाला है। ये मॉन्स्टर्स किसी पर भी दया नहीं करते और अब रुकिया के पास कोई और चारा नहीं होता और इचिगो से पूछती है, इचिगो क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो? उन्हें बचाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें मेरी तरह एक सोल रिपर बनना होगा और तुम्हें इस तलवार को अपने सीने में उतारना होगा और मैं अपनी पावर्स को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, शायद मेथड काम कर जाए। और इचिगो भी बोलता है, मैं करूंगा, दो मुझे वो स्वॉर्ड, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इचिगो रुकिया की तलवार को अपने सीने में उतार देता है और ऐसा करते ही एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और हम देखते हैं कि इचिगो एक सोल रिपर बन चुका है और उसकी तलवार बहुत ज्यादा बड़ी होती है, रुकिया की तलवार से भी चार गुना बड़ी। और रुकिया ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि उसने तो इचिगो को सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर सी ट्रांसफर की है पर इसने फोर्सफुली इसकी सारी की सारी एनर्जी ले ली है। ये इचिगो पक्का कोई बहुत ज्यादा स्पेशल ह्यूमन है, शायद ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट म्यूटेट हो चुका है। और एक सोल रिपर की इस स्पोर्ट को जान पाक्टो कहा जाता है और अब इसके बाद इचिगो एक ही वार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब इसके अगले दिन हम इचिगो के फादर को देखते हैं जो कि इचिगो पर हमला कर देते हैं और इचिगो भी उन्हें एक पटकी देखकर पूछता है, सुबह सुबह अपने बेटे के ऊपर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती है तेरे को? सोते को परेशान करते हो आप हैं? वाह बेटे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो गए हो, मेरा लड़का कितना बहादुर है। अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है इचिगो, अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। और इसके फादर रोज इसे परेशान करते हैं ऐसे ही। और इचिगो को पिछली रात का सीन याद आता है और अपने फादर से युजू और कारिन के बारे में पूछता है कि कैसी हैं वो, कहां हैं वो, उनको चोट वगैरह तो नहीं लगी? पर उसके फादर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इचिगो घर के बाहर जाकर देखता है कि उनके घर में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है और उसके फादर इचिगो को बताते हैं कि कल रात को एक नशेड़ी ने अपने ट्रक को इनके घर के अंदर घुसा दिया था। ये तो उनकी अच्छी किस्मत है कि कोई चोट नहीं लगी किसी को। और कारिन बोलती है, पर ये बहुत अजीब नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और हम में से कोई भी रात को जगा तक नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इचिगो ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चल के रहा है, इनकी सिस्टर्स को कैसे नहीं याद भाई रात वाला इंसिडेंट, कल रात को तो एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था ना इनके घर पे। और तभी सोचने पर इचिगो को समझ आता है कि जरूर रुकिया ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसकी फैमिली की मेमोरीज चेंज हो चुकी है। इसके बाद हम इचिगो का स्कूल देखते हैं और यहाँ पर हम दो लड़कियों को भी देखते हैं और इस ऑरेंज बालों वाली लड़की का नाम है ओरिहिमे और इस छोटे बालों वाली लड़की का नाम है तात्सुकी। और अब इसके बाद क्लास में जाते समय ओरिहिमे इचिगो से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तात्सुकी इचिगो पर चिल्लाती है, तुमने गिरा दिया इसको, दिखता नहीं तुम्हें, सॉरी बोल इसको। इचिगो ओरिहिमे की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर ओरिहिमे शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इचिगो अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा होता है और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, ये भी इचिगो का एक दोस्त है और इस बंदे का नाम है गीगा चैट, इस बंदे का नाम चैट है। और तभी यहाँ पर रुकिया भी आ जाती है, ये क्या कर रही है भाई यहाँ पे? इचिगो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही है भाई यहाँ पे। रुकिया उसे अपना हाथ दिखाती है, इचिगो डर जाता है क्योंकि उसके हाथ पर लिखा था, ड्रामा मत करियो कोई, अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दरअसल रुकिया इलीगल तरीके से स्कूल में एंटर हुई है और ये एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट बिहेव कर रही है और इचिगो से पूछता है, ओए क्या कर रही है यहाँ पे तू, घर जा अपने सोल सोसाइटी में जहाँ पर ये रहती है, ये वहाँ पर वापस नहीं जा सकती क्योंकि लास्ट फाइट में इचिगो ने उसकी सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसी की वजह से अब ये एक नॉर्मल सोल बन चुकी है और अब इसके पास कोई भी सोल रिपर पावर्स नहीं है। और अब इचिगो की वजह से रुकिया यहाँ पर फंस चुकी है और जब तक इसकी पावर्स लौट ना आए वापस से तो इचिगो को तब तक यहाँ पर एज ए सोल रिपर काम करना होगा। तभी रुकिया एक ग्लव पहनती है और इचिगो की बॉडी पर अटैक करके उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेती है और इचिगो अपनी सोल को देखकर हैरान रह जाता है और अपनी बॉडी को नीचे पड़ा हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, ये क्या? अबे, पर रुकिया उसे शांत रहने को बोलती है। इसके बाद रुकिया इचिगो को अपने साथ लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये जो फोन है जो भी इसके हाथ में, ये सोल सोसाइटी का एक गैजेट है और इस फोन की हेल्प से हायर अप्स इसे ऑर्डर्स वगैरह दे सकते हैं और नए ऑर्डर्स के हिसाब से पास के ही एक पार्क में एक मॉन्स्टर प्रेजेंट है और ऐसा होता भी है, एक स्पाइडर टाइप होलो एक छोटे बच्चे का पीछा कर रहा होता है। और तभी इचिगो यहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है। अब इचिगो अपनी तलवार की बैक साइड को उस बच्चे के सिर से टच करवाता है जिससे कि एक प्रोसेस शुरू हो जाता है और उस बच्चे की सोल आफ्टर लाइफ में जाने लगती है। इस सेरेमनी को कौनसो कहा जाता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम ओरिहिमे का घर देखते हैं और उस पर दूर से एक सोल नजर रख रही होती है और ये सोल ओरिहिमे के बड़े भाई की थी। और तभी दो हॉलर्स यहाँ पर आते हैं
हैं और उसे पकड़ लेते हैं और इसे अंडरवर्ल्ड में लेकर जाते हैं, जहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स इस लड़की की सोल को खाने लगते हैं और इसके बाद इस लड़की की सोल भी एक मॉन्स्टर टाइप बन जाती है। और इस तरफ इचिगो और रुकिया देखते हैं कि एक कार ओरिहिमे को ठोक कर चली जाती है। ये दोनों उसके पास जाते हैं इसका हालचाल पूछने के लिए, पर ओरिहिमे बिल्कुल ठीक ठाक होती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं और रुकिया को ओरिहिमे के पैर पर एक हैंड प्रिंट दिखता है जो कि किसी इंसान का नहीं लग रहा होता। और इसके बाद घर लौटते समय रुकिया इचिगो से पूछती है कि वो लड़की कौन थी। इचिगो बताता है कि ओरिहिमे इसकी बहन तात्सुकी की बेस्ट फ्रेंड है, मगर 3 साल पहले ओरिहिमे का बड़ा भाई गुजर गया था और वो भी ठीक इनके क्लिनिक के सामने। और गाइस इचिगो की फैमिली एक क्लिनिक चलाती है जिसका नाम है कुरोसाकी क्लिनिक, और ओरिहिमे का बड़ा भाई उसका इकलौता रिश्तेदार बच्चा था। और उसके बाद ओरिहिमे बेचारी अकेली पड़ गई थी। रुकिया समझ जाती है कि ओरिहिमे को उस कार एक्सीडेंट से उसके भाई ने बचाया है क्योंकि वो हैंड प्रिंट किसी इंसानी सोल का नहीं लग रहा था। अब इचिगो अपने घर पर चला जाता है और तभी युजू उसके पास आती है और उसे पूछती है, इचिगो क्या तुमने मेरा पजामा देखा? भाई कब से ढूंढ रही हो, मुझे मिल ही नहीं रहा। और इचिगो भी बोलता है, ये तो पागल वागल है क्या, है क्या करूंगा मैं तेरे पजामे का, मेरे ऐसे शौक नहीं है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि युजू के पजामास को रुकिया ने चुराया होता है और ये रुकिया इचिगो के क्लोजेट में रह रही है, वो भी इचिगो से छुपकर। रुकिया ने इसके क्लोजेट में ही एक मिनी रूम बना लिया है। इसके बाद रुकिया अपना सोल ग्लव पहनती है और इचिगो को पुश करती है जिससे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। और ऐसा करते ही इचिगो वाली जगह पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और ये वही मॉन्स्टर है जो कि ओरिहिमे के ब्रदर की सोल से बना है। इसके बाद उस मॉन्स्टर और इचिगो में फाइट होनी शुरू हो जाती है और तभी अचानक से इस मॉन्स्टर का मास्क टूटना शुरू हो जाता है और यहाँ से डर कर भाग जाता है। इचिगो बताता है कि इस मास्क के पीछे एक फेस था जो कि ओरिहिमे के भाई का था। और रुकिया इचिगो को बताती है कि मरने के बाद किसी सोल के दिल में अगर कोई ग्रजेस, रिग्रेट्स या कोई नफरत वगैरह रह जाए तो वो पीसफुली आफ्टर लाइफ में नहीं जा सकता और उसका कॉन्सो भी नहीं किया जा सकता, और ऐसे लोग मैक्सिमम केसेस में मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और उनसे डील करने का एक ही तरीका है कि अपनी जन पाक्टों से उनके सर को स्प्लिट कर दिया जाए। और इस तरफ तात्सुकी और ओरिहिमे चुगलियां कर रहे होते हैं अपनी क्लास की लड़कियों की और तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि ओरिहिमे के भाई की चिल्लाने की आवाज होती है। इचिगो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ओरिहिमे का भाई एक होलो कैसे बन गया और बना तो बना ये इसके पीछे क्यों पड़ा है। और रुकिया इचिगो से कहती है ऐसा हो सकता है कि इन होलोस को कोई पावरफुल होलो सीक्रेटली इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो पावरफुल होलो इन वीक होलोस के जरिए इचिगो को हंट करना चाहता है ताकि ये इसकी सोल को खा सके। इस तरफ ओरिहिमे और तात्सुकी अलर्ट हो जाती है और तभी एक हिडन एंटिटी तात्सुकी पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। और असल में ओरिहिमे के बड़े भाई का होलो था और ओरिहिमे एक कोने में बैठी हुई ये सब कुछ देख रही होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। और ओरिहिमे की बॉडी से एक लॉन्ग चेन कनेक्टेड होती है जिससे कि एक और ओरिहिमे कनेक्टेड है। असल में इनमें से एक उसकी एक्चुअल बॉडी है और दूसरी उसकी सोल है और ये चेन एक सोल चेन है जो कि एक ह्यूमन सोल को उसकी बॉडी से कनेक्ट करके रखती है और इस होलो ने ओरिहिमे की बॉडी से उसकी सोल को अलग कर दिया होता है। इसके बाद ओरिहिमे हिम्मत करके तात्सुकी को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो नोटिस करती है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी इसका नाम लिया। और दूसरी तरफ इचिगो और रुकिया तेजी से ओरिहिमे की घर की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में इचिगो रुकिया से पूछता है वो तो ओरिहिमे का बड़ा भाई है, वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है। और रुकिया उसे समझाती है कि होलोस के अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशंस नहीं होते हैं, जब वो होलोस बनते हैं तो उनकी बॉडी में एक होल ओपन हो जाता है और ये एक इनकम्प्लीट एंटिटीज बन जाती हैं और अपने आप को कम्प्लीट करने के लिए ह्यूमन सोल्स को खाती हैं। इन होलोस के पास दिल नहीं होता, इसीलिए इनसे इंसानों की तरह बिहेव करने की उम्मीद कुल भी मत रखना। और इस तरफ ये होलो ओरिहिमे की सोल को कैप्चर कर लेता है और उसे पूछता है ओरिहिमे क्या तुम सच में मुझे भूल गई। और इस मॉन्स्टर की आंखों को देखकर ओरिहिमे समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इसका बड़ा भाई है। ओरिहिमे ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि उसका भाई एक मॉन्स्टर बन चुका है। और ये होलो बोलता है कि जब ये मरा था तो ओरिहिमे रोज इसके लिए प्रेयर करती थी, पर इसके मरने के 1 साल बाद ही ये तात्सुकी की दोस्त बन गई और इसने अपने भाई के लिए प्रेयर करना बंद कर दिया, जैसे कि ये लड़की धीरे धीरे इसे भूलना शुरू कर चुकी थी। और जब ओरिहिमे हाई स्कूल में पहुंची तब तो इसने इसके लिए प्रेयर करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जैसे कि ओरिहिमे इसके बिना बहुत ज्यादा खुश थी। और ये मॉन्स्टर बोलता है मैं धीरे धीरे एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया, ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है छोटी बहना। और ये मॉन्स्टर ओरिहिमे को मारने लगता है, पर तभी इचिगो यहां पर आ जाता है और उस होलो पर हमला कर देता है और बोलता है एक बड़े भाई की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्ट करे, ना कि उन्हें जान से मारे। तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन को ही मारने में लगा है। ये होलो बोलता है तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो, मैंने ही ओरिहिमे को पाल पोस कर बड़ा किया लेकिन इसके बावजूद ये मुझे भूल गई। और तभी इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है और तभी जब ये होलो इचिगो को हट करने वाला होता है तो ओरिहिमे सामने से आकर इसे रोक लेती है और कहती है मुझे माफ कर देना बड़े भैया, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही आपसे कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ जिसकी वजह से आपके दिल में रिग्रेट्स रह गए थे और फिर आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आप मेरे आसपास ही हो, मैं अपने तरीके से आपको ये शो करना चाहती थी कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ को जी सकती हूँ, अब आपको मेरी कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बड़े भैया, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी इस अप्रोच से आप लोनली फील करना शुरू कर दोगे। और होलो ये सारी बातें सुनकर पेन फील करना शुरू कर देता है। ओरिहिमे का भाई अपने अंदर के होलो से फाइट बैक कर रहा होता है उसी मॉन्स्टर से जिसने इसे फोर्सफुली इस होलो में ट्रांसफॉर्म किया है। ओरिहिमे का भाई उस होलो को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करता है और अगर किसी सोल को कोई उससे ज्यादा ताकत वाला होलो निकल जाए तो वो होलो उस वीक सोल को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। अब बहुत सारी जद्दोजहद के बाद इस मॉन्स्टर का मास्क निकल जाता है और ओरिहिमे का भाई जीत जाता है, पर अब तक ओरिहिमे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रुकिया ओरिहिमे का इलाज करती है। ओरिहिमे का भाई उसे देखता है बालों में लगे हुए एक हेयर पिन को नोटिस करती है और उसे याद आता है कि ये जो हेयर पिंस हैं ये उसने ओरिहिमे को उसी दिन गिफ्ट किए थे जिस दिन उसकी मौत हो गई थी और उस दिन के बाद से ओरिहिमे आज तक इन हेयर पिंस को रोज पहनती है ताकि इसे अपने भाई की याद हमेशा आती रहे। इसके बाद ओरिहिमे का
भाई खुद को जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे अंदाजा हो जाता है कि ये बहुत ही जल्द फिर से उसी मॉन्स्टर में बदलने वाला है। और इसके बाद ओरिहिमे अपने भाई को अलविदा कहती है और इसका भाई अपने आप को ही तलवार मार लेता है और इसका भाई आफ्टर लाइफ में जाने लगता है। अब इसके बाद अगले दिन ओरिहिमे अपने स्कूल होती है और इसकी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है और ओरिहिमे उन्हें स्टोरी बता रही होती है। तुम्हें पता है कल मेरे रूम में सुमो चैंपियंस आ गए थे और उन लोगों ने मेरे फ्लैट में ही फाइट करना चालू कर दिया था और मेरे फ्लैट को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर इसकी इन दोस्तों को ओरिहिमे की इस बातों पर कोई भी विश्वास नहीं होता है और इसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। पागल लड़की है ये तो, और इचिगो और रुकिया ये सब कुछ देख रहे होते हैं। दरअसल कल रात वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट रुकिया ने अपने सोल गैजेट की हेल्प से ओरिहिमे की मेमोरी से हटा दिया ताकि रात को जो भी हुआ था वो ओरिहिमे को याद ना रहे, और इसी डिवाइस का यूज करके रुकिया ने इचिगो की फैमिली की मेमोरीज को भी मिटाया था। अब अगले दिन हम तीन लड़कों को दिखते हैं जो कि एक तोते के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, अरे क्या है ये तोता, कितना मनहूस है, तुम्हें पता है जो भी इसे पालता है वो मारा जाता है। और तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टील बार इनके ऊपर गिर जाती है, पर इन सभी में से ये सबसे बड़ा लड़का उस स्टील बार को रोक लेता है। दरअसल ये लड़का इचिगो का क्लासमेट है और यहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में एक मॉन्स्टर बोलता है, अपनी एग्जिस्टेंस को पूरा करने के लिए हम ह्यूमन सोल्स को खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि हम पूरे ना हो जाएं। और तुम्हें पता है सोल रिपर्स की सोल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है, अगर एक बार तुमने उनकी सोल का टेस्ट चख लिया तो तुम्हें उसकी लत लग जाएगी। दरअसल इस मनहूस तोते के पीछे इसी मॉन्स्टर का हाथ है और ये तोता बोल भी सकता है और ये तोता सबसे बड़े वाले लड़के गीगा चैट से बोलता है कि इसका नाम यूची शिबाता है। और ये सुनकर इसके दोस्त डर जाते हैं कि भाई बोलने वाला तोता ये तो, और ये पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है और परमात्मा ने इसे लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है। और अगले दिन इचिगो रुकिया से कहता है, रुकिया क्या तुम्हें पता है मेरी मुलाकात चैट से 8th क्लास में हुई थी, मुझे मेरे ऑरेंज बालों के लिए बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और तब अक्सर मेरी फाइट हो जाया करती थी क्लास के बच्चों से, और उस टाइम पर चैट ने ही बचाया था उन बुलीज से। चैट दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है पर शायद ये ही उसकी कमजोरी भी है। अब थोड़ी देर बाद इचिगो अपने घर पर जाता है और वो देखता है कि उसकी बहनें सादो को लेकर आती हैं वहां पर और सादो बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रहा होता है और इचिगो समझ जाता है कि चैट का ये हाल एक तोते ने किया है। और कारिन को भी इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो तोता है ये श्रापित है। इसके बाद इचिगो के फादर सादो के घावों को चेक करते हैं। अरे भाई साहब ये क्या है भाई, ये तो एक बहुत बड़ा हैंड प्रिंट है, ये काम किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इचिगो समझ आता है कि ये काम किसी पावरफुल हॉलो का है। अब ये लोग चैट का इलाज करके उसे कमरे में सुला देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसके फादर इचिगो को एक बैड न्यूज देते हैं। इचिगो एक बुरी खबर है, चैट अपने कमरे से भाग चुका है। और इचिगो और रुकिया चैट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि शायद से उसकी जान खतरे में है। और तभी रुकिया अपनी फिर से वही गंदी सी ड्राइंग बनाकर दिखाती है इचिगो को, ये जो हॉलोस होते हैं वो सोल सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी के बीच वाले गैप में रहते हैं, इसलिए हॉलोस को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। हॉलोस की लोकेशन को तब तक ट्रैक नहीं किया जा सकता जब तक ये ह्यूमन रियल्म में नहीं आ जाते। और तभी इचिगो को रियलाइज हो जाता है कि एक पावरफुल हॉलो चैट को टारगेट कर रहा है और इन सभी में उस मनहूस तोते का भी कोई हाथ है इसमें, और ये तोता इस वक्त चैट के साथ है। इसके बाद इचिगो कंसंट्रेट करने लगता है और अपने आसपास की सोल्स को महसूस करने लगता है और इसके आसपास बहुत सारे सोल रिबन आ जाते हैं जो कि लोगों की आत्माएं थी। और तभी इचिगो चैट की सोल रिबन को ढूंढ लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है और इस तरफ हम चैट और उसके तोते को दिखते हैं। और वो तोता चैट से कहता है, चैट भैया आप मुझे छोड़कर यहां से चले जाइए, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाओगे, जो कोई भी मुझे अडॉप्ट करता है सभी के सभी मारे जाते हैं। पर चैट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और तभी वो हॉलो चैट पर हमला कर देता है और चैट अपनी फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है उस तोते को लेकर। और इस तरफ इचिगो और रुकिया भी चैट की तरफ जाने लगते हैं। चैट उन्हें देख लेता है लेकिन वो इचिगो को देखते ही ओपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर इचिगो उसके पास आया तो वो मॉन्स्टर इचिगो को भी हर्ट कर सकता है। और तभी कारिन भी वहां पर आ जाती है, कारिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो चैट को ढूंढते ढूंढते यहां पर आ गई थी। रुकिया इचिगो से कहती है कि ये चैट का पीछा करेगी और तब तक इचिगो कारिन को लेकर उसके घर जाए। और रास्ते में जाते जाते कारिन इचिगो से कहती है, भैया लास्ट नाइट मैंने उस सोल की मेमोरीज को देखा था जिसने उस तोते को पोजेस किया हुआ है, उस तोते को एक छोटे से बच्चे ने पोजेस किया है और द्वार उस बच्चे की मदर को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था, प्लीज भैया उस बच्चे को बचा लो। और इस तरफ रुकिया को उस हॉलो की प्रेजेंस सेंस होती है और अलर्ट हो जाती है और उस हॉलो पर एक जोरदार किक मारती है और फिर अपने स्पेल से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर उसके स्पेल से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। और इस तरफ सादो उस तोते को एक सेफ जगह पर रखकर रुकिया की हेल्प करने के लिए जाता है और इस तरफ इचिगो कारिन को अपने घर ले आता है और उसे सुला देता है और सोचता है कितने सालों बाद मैंने आज कारिन को रोते हुए देखा। कारिन और यूजू मॉम की डेथ से पहले बहुत रोया करते थे किसी बच्चे की तरह, पर मॉम की डेथ के बाद यूजू अचानक से ही बड़ी हो गई, उसने मॉम का सारा काम संभाल लिया और घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ ये कारिन उसने भी अचानक से ही रोना बंद कर दिया और अब इचिगो ये सब कुछ सोचते हुए उस मॉन्स्टर की डायरेक्शन में जाने लगता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने रुकिया को कैप्चर कर लिया है, पर तभी गीगा चैट यहां पर आ जाता है और उस पर एक जोरदार पंच मार देता है और रुकिया की जान बचा लेता है। रुकिया ये देखकर हैरान रह जाती है, ये क्या ये लड़का भी स्पिरिट्स को देख सकता है। पर तभी रुकिया को पता चलता है कि गीगा चैट हवा में अंधाधुंध बस मुक्के मार रहा है, इसे कुछ नहीं दिख रहा भाई। और ये देखकर वो हॉलो इसे टॉन्ट मारने लगता है, अबे ओ गीगा चैट तुम्हें दिखाई नहीं देता। पर ये बंदा ये बात भूल जाता है, इसकी आवाज तो सुन ही सकता है भले ही इसे देख ना पाए। और गीगा चैट उस हॉलो की आवाज को सुनकर उस पर एक जोरदार पंच मार देता है और तभी ये हॉलो अपने विंग्स को ओपन करता है और हवा में उड़ना शुरू कर देता है ताकि गीगा चैट इस पर हमला ना कर सके। पर तभी चैट एक बहुत बड़ा सा पोल उखाड़ लेता है, सनी देओल बन गया भाई ये क्या कर रहा है ये, और चैट उस मॉन्स्टर पर उस पोल को मार देता है और इसे नीचे पटक देता है। पर तभी बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स यहां पर आ जाते हैं और रुकिया और गीगा चैट पर हमला कर देते हैं और इन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। दरअसल ये लिटिल मॉन्स्टर्स इस मॉन्स्टर के ही पेट होते हैं और ये इन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। पर तभी चैट खुद को आजाद कर लेता है और रुकिया को भी छुड़ा देता है और रुकिया
को किसी मिसाइल की तरह उस मॉन्स्टर की डायरेक्शन में लॉन्च कर देता है। पर ये मॉन्स्टर अपने छोटे छोटे मॉन्स्टर्स के थ्रू रुकिया पर लीचेस से स्पिट करवा देता है और ये लीचेस एक्सप्लोड हो जाते हैं और रुकिया बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद होलो उस तोते को दिखाता है चैड को और ये तोता चैड से सॉरी मांगता है, मुझे माफ कर देना। और तभी अचानक से रुकिया ओपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है और तभी इचिगो उसके सामने आ जाता है और रुकिया जल्दी से अपने सोल ग्लव की हेल्प से इचिगो की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। पर तभी इचिगो नीचे गिर जाता है और गीगा चैड से देखकर परेशान हो जाता है। इचिगो हेलो क्या हुआ तुम्हें? चैड बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ओए ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, इचिगो को क्या हुआ? पर दरअसल जब रुकिया ऑपोजिट डायरेक्शन में भागी थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो तभी उस मॉन्स्टर का ध्यान रुकिया पर चला गया था और इसी का फायदा उठाकर चैड ने उस तोते को बचा लिया। और उस होलो और इचिगो में बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है और इचिगो उस होलो से पूछता है क्या वो तुम ही थे जिसने उस तोते को पोजेस कर रखा है? और ये होलो बताता है कि मरने से पहले ये एक सीरियल किलर था और इसकी लास्ट विक्टिम शिबाटा की मदर थी। इस शिबाटा वही लड़का है जिसने अभी इस वक्त इस तोते को पोजेस कर रखा है। और ये होलो बोलता है इसकी मॉम बहुत अजीब थी, उस लेडी ने अपनी आखिरी सांस तक शिबाटा की जान बचाने की पूरी कोशिश की और जैसे ही मैं चेस करते हुए उसे बालकनी तक लेकर आया तो उस पागल के बच्चे शिबाटा ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मैं बालकनी से नीचे गिर गया और मैं मारा गया। पर मैं पूरी तरह से नहीं मरा था, मैं एक होलो में बदल गया और उसी दिन से मैंने इस शैतान बच्चे को सजा देने का प्लान बनाया और इस बच्चे की सोल को एक तोते के अंदर कैद कर दिया और उससे कहा अगर तुम 3 महीनों तक मुझसे बचकर भागते रहोगे और अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो मैं तुम्हारी माँ को फिर से जिंदा कर दूंगा। ऑफ कोर्स ये होलो बस अपने फेटिश डिजायर्स को पूरा कर रहा था, मरे हुए इंसानों को कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता था। मगर शिबाटा को इस बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो तो बस एक छोटा सा बच्चा था और इसने अपनी मॉम को फिर से देखने के लिए उस होलो की सारी बातों पर यकीन कर लिया था। और फिर शिबाटा ने एक तोते के रूप में उससे पूरे 3 महीनों तक भागने की कोशिश की और जो भी उसे प्रोटेक्ट या फिर अडॉप्ट करता था तो उसे यह होलो मार देता था। और यह होलो बोलता है जब भी ये बच्चा थकने लगता था तो मैं इसे बोलता था क्या हुआ बच्चे, क्या तुम अपनी मॉम को वापस नहीं देखना चाहते? और तभी ये बच्चा उठकर वापस से भागने लगता था। कितना नादान है ये। और उसकी बातें सुनकर इचिगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस पर पंच मार देता है। तुम तो कोई मॉन्स्टर हो, तुम क्या हो? अब इचिगो जैसे ही उस पर पंच मारता है तो ये मॉन्स्टर बहुत सारी इविल एनर्जी रिलीज करने लगता है जिससे कि उसके ऊपर वाले स्काई में एक बहुत बड़ा सा डोर आ जाता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इस डोर के आसपास 2 स्केलेटन्स भी थे। इचिगो ये देखकर हैरान रह जाता है। रुकिया इचिगो को बताती है कि ये नर्क का दरवाजा है और ये दरवाजा सिर्फ उन्हीं इंसानों के लिए खुलता है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे पाप किए होते हैं। सोल रीपर की जान पाकटो सिर्फ सोल्स को प्योरीफाई कर सकती है जिन्होंने मरने के बाद सिंस किए हों, ना कि उन्हें जिन्होंने मरने से पहले सिंस किए हों, जॉनी सिंस नहीं, सिंस किए हों। इसके बाद नर्क के दरवाजे में से एक स्फीयर उस होलो के शरीर के आर पार हो जाता है और उस होलो को नर्क के अंदर खींच लिया जाता है और वह दरवाजा बंद हो जाता है। अब इसके बाद रुकिया शिबाटा को बताती है कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएंगी और ये सुनकर शिबाटा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन रुकिया उसे बताती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, अब ये लोग इसे सोल सोसाइटी में भेजने वाले हैं जहां पर इसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मगर शिबाटा बहुत ज्यादा सैड होता है और इचिगो बोलता है शिबाटा तुम चिंता मत करो, क्या पता वहां पर तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल जाए। ये सुनकर शिबाटा खुश हो जाता है और शिबाटा अपनी रियल ह्यूमन फॉर्म दिखाता है सभी को और वो गीगा चैट को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि सिर्फ गीगा चैट ही वो पर्सन था जिसने इतनी ज्यादा मुसीबत झेलने के बाद भी शिबाटा का साथ नहीं छोड़ा था। इसके बाद शिबाटा खुशी से पास ऑन हो जाता है और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आते हैं तो ही मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 6000 likes। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।